केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को गंगापुर में किसान सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों ने ERCP को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस पर शाह ने नारेबाजी कर रहे लोगों के माध्यम से CM अशोक गहलोत पर निशाना साधा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश बड़ी खबर। अमित शाह ने कहा, मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, ये चंद लोग भेज कर नारे लगाने से कुछ नहीं होता है। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में आइए और हो जाए दो दो हाथ। इतना ही नहीं, शाह ने अपने भाषण के दौरान लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा, घर में कोई लाल डायरी हो तो उसका कलर लाल मत रखना, वरना गहलोत जी नाराज हो जाएंगे। मित्रों, राजस्थान में आया हूँ, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था, मगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, मुझे भी मजबूर कर दिया। हमारे दिलीप भाई जरा भोले भाले व्यक्ति है, इफ्को का सम्मेलन था, कल मुझे फोल्डर भेज दिया। मैंने कहा भाई ये फोल्डर मत रखना, न वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारना में छिपे हुए अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा, वो लाल डायरी के अंदर है। दरअसल शाह का संबोधन शुरू होते ही कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। इस दौरान उन्होंने सभी को टोकते हुए कहा, अभी जो लोग नारे लगा रहे हैं, उन्होंने नारे लगाने के बजाय अगर चंद्रयान को बढ़ाया होता और सहकारिता मंत्रालय बनाया होता तो ये नारे नहीं लगाने पड़ते। लेकिन इसके बाद भी नारेबाजी नहीं रुके तो शाह बोले, गहलोत जी ने कुछ लोग भेजे हैं जो 5 मिनट में कार्यक्रम करके चले जाएंगे। अमित शाह ने चंद्रयान और सहकारिता मंत्रालय समेत मोदी सरकार की ओर से किसान हितों में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था जोर से बोलो, कितना था? 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इससे पहले सम्मेलन में सहकार समितियों को लेकर लिखी किताब का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इससे पूर्व उनका साफा पहनकर स्वागत किया गया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।